रिंकू यादव जी भी उपलब्ध है, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। इस घटना पर आप क्या कहना चाहते हैं, प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए ये छोटका नवा पंचायत गोल लगा नहीं, समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। आग छीन ली हलस एगो बेटी के अरमान, मवेशी के साथ नगद रुपया भी जरी गई। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी, फेसबुक पेज पर देखतनी तो फॉलो करी। एगो बाप अपन बेटी के ब्याह खाती पाई पाई जोड़ के रखेला, लेकिन यह पाई पाई पो ऐसन नजर लागल कि आग से नगदी रुपया तक जरी गई। खबर का बात तनी विस्तार से जान ली। सदर प्रखंड के मिल्किया गांव में न जाने कौना कारण से लगल आग से स्थानीय निवासी एगो व्यक्ति के चारिगो झोपड़ी जरी गई, जौना में नगद रुपया के साथ मवेशी भी जरी गई। माफ करब, चारिगो बकरी जरी गई सर। स्थानीय लोग के सूचना पे पहुंचल फायर ब्रिगेड के टीम कौनो तरह आग पे काबू पैलस, नहीं तो और बड़ा हादसा हो सकत रहे। ये घटना के सूचना मिलला पर जिला परिषद पश्चिमी के सदस्य प्रतिनिधि रिंकू यादव, छोटका नुआव बीडीसी प्रतिनिधि अरुण यादव भी पहुँचलन आ पीड़ित के सांत्वना देलन। मौका पे पहुँचल प्रतिनिधि प्रशासन से मुआवजा देवे के मांग कैलन, साथे साथ आगलगी के सूचना पे कार्यालय से केहू के ना पहुँचला पे रोष भी व्यक्त कैलो, साथे साथ पीड़ित परिवार के पीएम आवास योजना के लाभ देवे के भी मांग कैलो। घटना के संबंध में मिलल जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासी फरीदन बीन के घर में सुबह तकरीबन 10:30 बजे आग लागल। आग देखते देखते विकराल हो गई, एकरा चपेट में आके इनकर चारिगो बकरी, बेटी के ब्याह खातिर रखल गई तकरीबन 1,00,000 रुपया के गहना आ कपड़ा जली गई। सूचना मिलते अग्निशमन के कई गाड़ी मौका पे पहुँचल, जरा बाद आग पे काबू पावल गई। आग कैसे लागल यह बात के पता ना चल पावल। अग्निशमन पदाधिकारी सत्यदेव सिंह बतैनी कि जैसे ही सूचना मिलल अग्निशमन के गाड़ी मौका पे पहुँचल, तत्परता से आग पे काबू पावल गई, लेकिन चारिगो झोपड़ी, एगो दूगो झोपड़ी ना, चारिगो झोपड़ी, चारिगो बकरी आ घरेलू सामान जरी गई। एकरा के लेके रेड क्रॉस के सचिव बतैनी कि हमनी के भी सूचना मिलल बा, जल्द ही पीड़ित के रेड क्रॉस के तरफ से मिले वाला सहायता भी प्रदान कर जाए। तो यह तरीका से वो बेटी के अरमान जरी गई। पूरा सामान और गहना गुड़िया सब जला है, वो सब गहने वो सब जला है। डॉक्टर को ले लो, देखिए सब जलकर सब राख हो गया है। देखिए सब शादी शादी का शादी का सामान ये रखे थे, ये सब नया नया पेंची भी सब जल गया है। ये लड़की का साथी शादी था जो बेचन बिंद है, वो पूरा सामान अपना खरीद कर रखे थे। खाने वाला भी सब सामान जल गया है, कहाँ से खाएंगे पियेंगे अब? ये तो समाज सेवा ही मदद करेंगे और प्रशासन इसकी व्यवस्था करे। देखिए ये चावल है, वो गेहूँ है, चावल गेहूँ जल कर सब राख हो गया है। अब ये लोग कहाँ से, गरीब परिवार अब खाएंगे? इस बक्से में 1,00,000 रुपया था वो भी जल गया है, और उसके बाद ये गहना गुड़िया है वो भी जल गया है। अब प्रशासन क्या व्यवस्था करती है अब देखने वाली बात है। अभी तक 5 परिवार का घर ब्लॉक में सीओ के पास फोन करने के बावजूद कोई भी कर्मचारी नहीं आया है। जरा हटिए सामने से, इस घटना स्थल पर जिला पार्षद प्रतिनिधि रिंकू यादव जी भी उपलब्ध है, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। इस घटना पर आप क्या कहना चाहते हैं, प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए ये छोटका नवा पंचायत का ये मिल्किया गांव है, ये गरीब मजदूरों का गांव है, रोज दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जीविका चलाते हैं।
और खासकर जिन लोगों का घर ये जला है, इस गांव में सबसे गरीब परिवार हैं। लगभग इस गांव में तो लोगों का ईटा का मकान है, लेकिन इनका चारों भाई का झोपड़ी का मकान था, झोपड़ी में इनका सियाना था। और इनके परिवार में दो दो लड़की की शादी का दिन भी रखा गया था, और शादी के लिए आप तो समझते ही हैं, पैसा गहना एक एक पैसा जुटा के ये लोग रखे थे, लाखों रुपए नगद जल गया, और गहना भी लाखों का था वो भी जल गया। और इनके जो छोटे मोटे बकरी पालन पोषण करके जो जीविका भी चलाते थे, लगभग इनकी 5 बकरियां भी जल गई, और गाय पशु गाय और भैंस भी था, लेकिन गांव वालों ने रस्सी काट कर गाय भैंस को भगाया, लेकिन बकरिया को नहीं बचा पाए। आप देख सकते हैं कि पशु का जो चारा रखा था वो चारा भी जल गया है, और इनके लिए जो खाने पीने का सामान था, जो कपड़ा था, एकदम जल के राख हो गया, कुछ नहीं है। हम यही कहेंगे और ये वीडियो के माध्यम से जो भी देख रहे हैं कि जितने बक्सों के समाज से ही हैं, परिवार के लिए मदद करने के लिए आगे हैं, और जिला प्रशासन से भी मांग करता हूँ उनके परिवार की जीविका के लिए कुछ व्यवस्था करें। मेरे कहने का मतलब है कि ये BPL परिवार में रहते हैं, जैसे गरीब परिवार के लिए यह है कि जैसे घर द्वार नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनता है, तो आप प्रखंड विकास पदाधिकारी से इस पर क्या मांग करते हैं? देखिए, परिवार के 2 सदस्यों को प्रधानमंत्री आवास के लिए चिन्हित किया गया है, और 2 को मुख्यमंत्री आवास के लिए दिया जाएगा, और इस पे हम लोग चाहेंगे सब प्रखंड विकास पदाधिकारी से इन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना इन लोगों को बहुत तत्काल ही उपलब्ध कराया जाए इस आपदा को देखते हुए। मैं अरुण कुमार, मैं बक्सर प्रखंड विकास पदाधिकारी से आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़कर इस गरीब परिवार को आवास देने की कृपा की जाए।